अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उस्मान ग़नी, आप देखें सियासी किंग यूट्यूब चैनल नाज़रीन। बहुत ही अहम टॉपिक में बात करने वाले, तो सबसे चलते हैं नेशनल टॉपिक्स के ऊपर। नेशनल टॉपिक हम बहुत ही अहम उसमें बात करेंगे मुल्क की सियासत के ऊपर। मुल्क की सियासत में इस वक्त हम डिस्कस करेंगे दो तीन अहम खबरें। जो कि सबसे पहली खबर जो है वो ये है कि ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, पीएमएलएन की तरफ से ये बयानी बनाने की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो दिसंबर में पाकिस्तान आ रहे हैं और वो ये करने लगे हैं, वो करने लगे हैं, फ्लाह करने लगे हैं। तो हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि ये बयानी में कितनी हकीकत है और ये किस हद तक सच्चा है और इसमें क्या वाकई ऐसा कुछ होने जा रहा है। और ये भी बताएंगे कि असल रीज़न बिहाइंड द सीजन सीन क्या है इस चीज़ की। और हम ये भी इसको डिस्कस करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि पीछे बैकेंड पे जो है वो क्या मामलात हैं जो चल रहे हैं। और ये जो कुछ अनासर जो हैं इससे कुछ अनासर यानी कि कुछ लोग जो हैं ये कहते हैं कि शायद कोई मुफाहमत हो गई या कुछ और हो गया, तो ऐसी कोई खबर इस ताकत नहीं है। और हम आपको डिटेल से बताएंगे कि इसमें क्या हुआ है। तो अब दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत ही अहम है, उसमें बात करेंगे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के ऊपर, जो कि बहुत ही अफसोसनाक खबर थी ये। और कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के फाउंडर यानी कि जो बानी थे न्यूक्लियर प्रोग्राम के, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो हैं वो वफात पा गए हैं। और उनकी ग्रां कदर खिदमात को जो है वो कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। और उन्होंने जो दिन रात एक किया, अपनी पूरी ज़िंदगी जो थी पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी। और पाकिस्तान में सिर्फ दो ऐसी शख्सियात मेरे जहन में जब अभी तक जो नाम आते हैं वो सिर्फ दो शख्सियात के नाम आते हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारा सब कुछ जो है वो ईच एंड एवरी थिंग, इवन हिज़ फैमिली, इवन हिज़ वेल्थ, इवन हिज़ माइंड, इवन हिज़ एजुकेशन, इवन एंटायर थिंग, उन्होंने अपने सिर्फ तमाम चीज़ें थी वो पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी थी। और सिर्फ दो ऐसी शख्सियत थी, एक थी कायद मोहम्मद अली जना जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ पाकिस्तान के ऊपर कुर्बान कर दिया, और दूसरी शख्सियत थी वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह मुकम्मल तौर पर जो था वो पाकिस्तान के लिए था, अपने आप को डेडिकेट कर दिया, अपने आप को वक्फ कर दिया। और उन्होंने कहा कि मेरी रूह और मेरा इलम, मेरा तजर्बा, मेरी कुव्वत, मेरे सब कुछ जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो वक्फ है। और हम पूरी पाकिस्तान को हम जो है वो अपने इस मोहसिन ने पाकिस्तान को जो है वो खराज अकीदत पेश करती है, खराज तहसीन पेश करती है। और इनकी खदमात जो है वो कभी भी रहती दुनिया तक जो है वो फरामोश नहीं की जाएंगी। और डॉक्टर कदीर खान जो थे वो कल भी हमारे दिलों में बसते थे, आज ही हमारे दिलों में बसते हैं और हमेशा जो है वो हमारे दिलों में बसते रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंशाअल्लाह ज़रूर जो है वो एक मोनूमेंट जो है वो तमीर करेगी, इनका जो टॉम्ब है वो तमीर करेगी। और छात्र जल्द से जल्द जो है वो फैसल मस्जिद में जो है इनको जो है वो या जिस भी जगह मुनासिब समझते हैं मुनासिब समझती है वहाँ पे जो है इनको जो है वो इनका मज़ार जो है वो तमीर किया जाएगा और वहाँ पे जो है इनको शिफ्ट किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मोहसिन पाकिस्तान की जो शख्सियत है मोहसिन पाकिस्तान को जो है वो उसी तरह से है जो है मुकम्मल तौर पर जैसे भी अभी भी फुल प्रोटोकॉल के साथ जो था उनको सरकारी फ्यूनरल का जो था वो इनके स्टेट फ्यूनरल का जो था वो दर्जा दिया गया था इनके जनाजे को। और इसके साथ साथ बहुत सी हकूमती शख्सियात हैं, अहम हकूमती शख्सियात हैं, ये जो बयान बनाया जाता है कि हकूमत किसी नुमा ने शिरकत नहीं की, ये बिल्कुल गलत है। इसमें डॉक्टर बाबर वाह ने शिरकत की थी, इसमें डॉक्टर शहबाज गिल ने शिरकत की थी, इसमें और दीगर अहम हकूमती शख्सियात ने भी इस नमाज जनाजे में शिरकत की थी। और हुकूमत की ना सिर्फ हुकूमत की तरफ बल्कि तमाम मकतबा हाई फिकर की तरफ से जो था लोगों ने नुमाइंदगी की इस जनाजे में और इसमें शिरकत की। और जहाँ तक बात रही कि सीएम सिंध, ये भी अच्छी बात है कि सीएम सिंध मुराद शाह साहब ने भी इस जनाजे में जो था वो अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। तो जो हमारा तीसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक बहुत ही अहम है, उसमें हम बात करेंगे बलोचिस्तान की जो इसका टर्मोइल चल रहा है हुकूमत के हवाले से। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई जाम कमाल की हुकूमत जो है वो ख़त्म होने जा रही है और क्या वाकई तहकीम अदम अतमाद जो है वो काम में बहुत ज़्यादा बलोचिस्तान में, और इसके पीछे कौन से नासिक काम कारफर्मा है। और बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो मेरी फेवरेट पार्टी, मैं जिसको मैं अपनी अभी तक अपनी फेवरेट पार्टी समझता था कि एक ऐसी पार्टी जो है बलोचिस्तान में वजूद में आई थी जो जिसका बुनियादी मकसद था वो सिर्फ सिर्फ पाकिस्तान था, पाकिस्तान मोहब्बत इश्क और मोहब्बत था, अभी भी है। और मैं चाहता हूँ कि वो उसी तरह ही यूनाइटेड रहे पार्टी और उसी तरह से कायम दायम रहे, उसी तरह से अपनी खिदमात जो है वो पाकिस्तान के लिए सर अंजाम देती रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पार्टी जो है वो आइंदा भी अपने अपना भरपूर 100% जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो सर अपनी खिदमात जो है वो देगी। और अभी 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 मौजूदा सूरत हाल में देखें तो मौजूदा सूरत में हम देखेंगे कि अभी जाम कमाल साहब के खिलाफ अचानक से जो है तहरीक मदद जो है वो क्यों आ गई है और क्यों जो है वो शदीद किस्म का जो है वो अदम एतमाद का इजहार जो है उसको किया जा रहा है जाम कमाल साहब के ऊपर। और इसके पीछे रीजंस क्या, अगर हम रीजंस को देखें तो वो शायद ये लगता ही है कि शायद इन इलाकों में तरक्याती कामों पर उतना फोकस नहीं किया गया, डेवलपमेंट फंड्स नहीं दिए गए MPs को, या फिर जो दीगर उनके मुतालबात थे जो थे MPs के वो उनके ऊपर फोकस नहीं किया गया। तो अगर हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो था वो अपनी तरजीह बनाया था, उन्होंने कहा था कि मेरी पहली प्रायोरिटी जो है वो बलोचिस्तान है। उन्होंने दूसरे सूबों को बलोचिस्तान को जो था वो दूसरे सूबों को फोकियत दी कि मैं बलोचिस्तान में जो जितने भी तरक्याती मनसूबे हैं उनको
پریورٹی کی یعنی ترجیحی بنیادی پر جو ہے ان کو پہلے مکمل کیا جائے بہ نسبت باقی صوبوں کے منصوبوں کے حوالے سے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر میں خاص کی اتنی زبردست ان کے پہلے نمبر پر انہوں نے بلوچستان کو رکھا ہوا تھا کہ ان کی بلوچستان کی جو ترقی اور خوشحالی جو ہے وہ اول ترجیح تھی پرائم منسٹر میں خاص کی, تو اس کے باوجود جو ہے وہ یہ تحریک اعتماد جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ بلوچستان حکومت کے خلاف جو ہے وہ لائی جائے. حالانکہ ابھی پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ اس وقت بلوچستان میں نہیں ہے, بلوچستان عوامی پارٹی کی حکومت جو ہے اس وقت ابھی جو چل رہی ہے بلوچستان میں, جو اس میں جام کمال صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہیں وہ اپنے خدمات اثر انجام دے رہے ہیں. تو جہاں تک بات رہی کہ ان کے خلاف جو فارورڈ بلاک کر لیں یا ان کے خلاف جو ناراض کا ان کا جو گروپ بنا ہوا ہے سب بلوچستان میں جام کمال صاحب کے خلاف, تو آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اس وقت جمع کروا دی ہے اسپیکر بلوچستان اسمبلی کے پاس عبدالقدوس بجنجر صاحب کے پاس. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ووٹنگ کب ہوتی ہے, رائے شماری کب ہوتی ہے, اور کیا واقعی یہ کامیاب ہو سکتا ہے, کیونکہ حکومت کی یعنی کہ سینٹ کے چیئرمین کی طرف سے بھی کوششیں کی گئی, مصالحت کی, صادق سنجانی صاحب بھی گئے ملنے ناراض کان سے اور کافی زیادہ ملاقاتیں کی, لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ اب معاملہ جو ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہو سکے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں فیوچر آؤٹ کم کیا ہوتا ہے, تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو انٹرنیشنل ٹاپکس ہم چلتے ہیں, انٹرنیشنل ٹاپکس میں بہت ہی اہم ٹاپکس ہیں, اس میں ہم بات کریں گے انڈیا اور پاکستان کے حالات کے اوپر. تو میں کہتا ہوں کہ انڈیا کو کسی سے بھی چین اور قرار نہیں آتا, کیونکہ اس کے انٹرنل حالات اتنے خراب ہو چکے ہوئے ہیں, آسام کے حوالے سے دیکھ لیں, کشمیر کے حوالے سے دیکھ لیں, یا پھر جو لداخ کے ہماچل پردیش یا جو اروناچل پردیش اس کے حوالے سے دیکھ لیں, تو وہاں پہ حالات جو ہیں انتہائی ٹینس ہیں, انتہائی کشیدہ ہیں. اور اس وقت انڈیا اور چائنا کے درمیان جو 13th مذاکرات کا دور ہوا تھا وہ بھی اس وقت ناکام ہو چکا ہے مکمل طور پہ, اور ڈائلگ جو ہیں وہ اس وقت سٹینڈ اینڈ سٹل ہو چکے ہوئے ہیں. اور چائنا نے بھی فوجوں کو کہہ دیا, اور انڈیا نے بھی اپنی فوجوں کو کہہ دیا کہ وہ سٹینڈ اور بائی سٹینڈ یعنی کہ تیار رہیں ہر وقت, ہر لمحہ اور کسی وقت بھی جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اور دوسرا دیکھیں تو انڈیا جو ہے وہ اس جو انڈیا اور چائنا کی ٹینشن ہے اس میں پاکستان کو بھی دھکیلا یعنی کہ سکن کرنا چاہتا ہے, پاکستان کو بھی گھسیٹنا چاہتا ہے اس جنگ میں, اور چاہتا ہے کہ پاکستان بھی جو ہے وہ اس جنگ میں شامل ہو. اور اسی وجہ سے جو ہے انڈیا نے جو ہے وہ ایک جعلی حملہ کروایا ہے اس وقت مقبوضہ کشمیر میں, اور اس میں اس نے کہا ہے کہ ہمارے جو ہے یعنی کہ انڈیا نے کہا ہے کہ انڈیا کے جو انڈیا کے 4 جوان جو ہے اس میں ہلاک ہوئے ہیں. تو اس کا الزام جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر لگا رہا ہے, اور کہہ رہا ہے حالانکہ پاکستان نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, پلوامہ کی دفعہ بھی کہا تھا کہ پاکستان جو ہے سوری انڈیا جو ہے وہ ثبوت فراہم کرے پاکستان کو, اور اگر انڈیا کنکریٹ ایویڈنس پاکستان کو پرووائڈ کرتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر ایکشن لینے کے لیے تیار ہے. نہ صرف ایکشن لینے کے تیار بلکہ اس کو قرار کے سزا دینے کے لیے تیار تھا پاکستان, لیکن انڈیا نے کسی قسم کا کوئی بھی ایویڈنس جو تھا وہ پاکستان نے شیئر کیا نہ اس کو پرووائڈ کیا. اور اس طرح بھی انڈیا جو ہے وہ بے بنیاد اور بیس لیس الزامات جو ہے وہ پاکستان کو لگا رہا ہے, اور انڈیا جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو دوبارہ سے اس جنگ میں جو ہے وہ گھسیٹا جائے, اور جو چائنا کی طرف سے اور انڈیا کی طرف سے انڈیا کا جو پریشر ہے اس کو جو ہے وہ ریلیز کرنے کے لیے وہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ شاید کرنے کا ارادہ رہتا ہے. تو پاکستان بھی اس والے مکمل طور پر تیار ہے, اور پاکستان جو پاکستان تو اپنے مشرقی بارڈر پہ کبھی بھی اپنی آنکھ جو ہے وہ بند نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کر سکتا ہے, کیونکہ ہمارا دشمن ہی ایسا ہے کہ وہ ہماری آنکھ بند ہونے کا انتظار کرتا ہے کہ یہ کسی سے بھی کوئی غلطی کریں, کوئی چوک کریں, یا کوئی ایسا وہ کہتے ہیں کہ وہ کریں تو جس پر انڈیا جو ہے اس موقع کا فائدہ اٹھائے. تو ان شاء اللہ پاکستان کی جو فوج پاکستان جو ہے وہ اس وقت ہر لمحہ ہر دم تیار ہیں, اور انڈیا کسی صبح کسی بھی قسم کا کوئی بھی موقع نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کے اوپر کوئی بھی میلی آنکھ جو ہے وہ ڈال سکے. تو دوسرا ٹاپک جو ہے وہ ہم بات کریں گے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں مڈل ایسٹ میں. تو مڈل ایسٹ میں ہم بات کریں گے اس وقت اسرائیل کا. تو اسرائیل میں اس وقت بحرین کے ایک اعلیٰ صدر کے وقت نے دورہ کیا ہے اسرائیل کا, اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے دوارے گریا کے پاس انہوں نے جو ہے وزٹ کیا ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ جو ہے ایک کہتے ہیں کہ انہوں نے جہاں پہ نماز ادا کی ہے وہ اس کے سامنے جو تصویر لگی ہوئی تھی تو وہ متنازع سمجھی جا رہی تھی. تو اس میں کہا جاتا ہے کہ کیا اس کا کیا مقصد تھا, اور اب یہ معاملہ جو ہے کس وقت جا رہا ہے, اور اسرائیل نے کیا میسیج دینے کی کوشش کی ہے مسلم امہ کو, تو یہ بھی ابھی دیکھنا باقی ہے. تو ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. تو سیدھا چلتے ہیں ہم اب نیشنل ٹاپکس کو. نیشنل ٹاپکس ہمارا پوچھا وہ بہت ہی اہم تھا, اس میں بات کریں گے مسلم نون کے جو مسلم نون جو یہ بیانیں بنا رہی ہے کہ نواز صاحب جو ہیں وہ دسمبر میں واپس آنے چل رہے ہیں, یہ کہنے لگے ہیں وہ لگیں گے, اور یہ جو پورا بیانیں تیار کیا جا رہا ہے کہ نواز جو ہے وہ لڑنے کے لیے آ رہی ہیں, یا جو مسلم نون کو دوبارہ سے متحرک کرنے کے لیے آ رہی ہیں کہنے والے. تو اس میں آپ کو حقیقت بتا دیں کہ اس میں اگر ہم ریئلٹی دیکھیں تو اس میں نہ تو کسی قسم کی مفاہمت ہوئی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی ڈیل ہوئی ہے. یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلم مفاہمت ہو گیا ڈیل ہو گئی, تو یہ سراسر غلط ہے اور بے بنیاد خبر ہیں. اور اس میں جو اگر میں آپ کو بتاؤں اپنا انالیسس کراؤں تو اس میں مجھے جانتا رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ جو اس میں مسلم نون نے جو برطانیہ میں جو اپیل دائر کی ہوئی ہے برطانوی حکومت کے فیصلے خلاف کہ
برطانیہ حکومت نے فیصلہ دیا تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ غیر قانونی اب جو ہے وہ برطانیہ میں مزید قیام نہیں کر سکتے, تو اس کے خلاف جو مسلم نون نے اپیل کی تھی تو وہ اس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ آنے والا ہے, اور اگر وہ فیصلہ جو ہے مسلم نون کے خلاف یعنی نواز شریف صاحب کے خلاف آتا ہے برطانیہ میں اپیل کے یعنی ان کی اگر ان کی اپیل جو ہے مسترد ہو جاتی ہے برطانیہ میں, تو پھر لامحالہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ واپس روتے دھوتے شاید آنا پڑے, اور وہاں پہ پاکستان آ کے پھر جو ہے وہ ان کو شاید جیل میں واپس جانا پڑے. تو اس حوالے سے یہاں تک یہ بات کہ اگر نواز شریف صاحب پاکستان آتے ہیں تو پھر وہ اگر اول دو پاکستان آئیں گے نہیں یہ بات تو طے ہے, اگر وہ آئیں گے تو پھر اس بات کو یقین بنانے کی کوشش کریں گے کہ وہ جیل نہ جانا پڑے ان کو, ڈائریکٹ وہ جیل سے جو ہے وہ ہاسپٹل شفٹ ہو جائیں, یا پھر وہ جس طرح نمایاں نواز اپنے گھر پہ جو ہے وہ رہ رہی ہیں اس طرح وہ اپنے گھر پہ چلے جائیں. لیکن مجھے ایسا دور دور تک کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی, اور نواز شریف جو ہے وہ پاکستان آنے کی جو ہے وہ غلطی نہیں کریں گے, اور مجھے پتا ہے کہ نواز صاحب جو ہیں وہ دو ملک ہیں وہ جہاں پہ شفٹ ہو سکتے ہیں اگر برطانیہ سے نکالے جاتے ہیں, تو پہلی ان کی پرائیورٹی جو ہے وہ شاید ہوگی یو اے ای جہاں پہ وہ قیام کر سکتے ہیں, اور دوسری جہاں ان کی پرائیورٹی ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے امریکہ. اب دیکھتے ہیں کہ نواز صاحب جو ہیں وہ کہاں جاتے ہیں, کیونکہ لگ یہی رہا ہے کہ جس طرح سے مسلم نے جب یہ بیان بنانے کی کوشش کری کہ نواز صاحب جو پاکستان آنے واپس آنے لگے تو ایسا کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں, اور اگر وہ برطانیہ سے بے دخل کیے جاتے ہیں نواز صاحب تو وہ یو اے ای یا پھر امریکہ جو ہے وہ شفٹ ہو سکتے ہیں, اور پاکستان وہ کی صورت نہیں آئیں گے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان آنے کا مقصد مطلب جو ہے وہ جیل کی ہوا کھانا ہے, تو اب نواز صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے گئے ہی اس لیے تھے وہی مبینہ طور پہ کہ وہ جا کے جو ہے وہ پاکستان کی جیلوں سے جو ہے وہ آزادی حاصل کر سکیں, چھٹکارا حاصل کر سکیں. تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے معاملہ آگے کیا ہوتے ہیں, کیونکہ یہ بیان یہ تاثر دینے کی کوشش جو کی جا رہی ہے کہ ڈیل ہو گئی محبت ایسی, کسی میں کوئی صداقت نہیں ہے ان چیزوں میں, اور جو ہے وہ پیچھے بیک اینڈ پہ جو معاملہ تھا وہ یہی چل رہے ہیں کہ ان کی اپیل کا جو فیصلہ جو ہے وہ آنے والا ہے, اور زیادہ تر چانسز یہی لگ رہے ہیں کہ ان کی اپیل جو ہے وہ مسترد ہونے والی ہے برطانیہ میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ لامحالہ جو ہے ان کو شاید وہ پاکستان جو ہے وہ آنا پڑے برطانیہ چھوڑ کے, کیونکہ ان کے پاس جو پھر اس کے بعد کوئی چارہ باقی نہیں رہے گا. اور لیکن یہ بھی بات میں آپ کو بتا چلوں کہ وہ پاکستان پھر بھی نہیں آئیں گے, وہ یو اے ای یا پھر امریکہ جو ہے وہ شفٹ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اگر وہ برطانیہ سے بے دخل کیے جاتے ہیں, اور پاکستان وہ کسی اور بھی جو ہے وہ نہیں آئیں گے. تو اب چلتے ہیں ہم سیکنڈ ٹاپک, تو سیکنڈ ٹاپک جو تھا وہ ہمارا تھا ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کے اوپر. تو ڈاکٹر عبد القدیر صاحب جو ہمارے جو ہیں نیشنل ہیرو تھے, محسن پاکستان تھے, فخر پاکستان تھے, اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے بانی تھے. ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کی جو خدمات جو ہیں وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ فراموش نہیں کی جا سکتی, اور کہتے ہیں کہ پاکستان میں صرف دو ایسی شخصیات میں جو اپنا انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں نے اپنی زندگی میں ابھی تک جو یعنی کہ اپنی زندگی میں کہہ لیں میں نے ابھی اسٹڈی کیا ہے میں نے, اس میں یہ دو ایسی شخصیات نظر آئی ہیں جنہوں نے پورے تن من دھن سے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا صرف اور صرف پاکستان کے لیے, اور مجھے ابھی تک اپنی زندگی میں صرف جو ہے وہ صرف دو شخصیات جو ہے وہ نظر آئی ہیں. ایک جو ہے وہ قائد محمد جناح, جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا, جس میں انہوں نے اپنی فیملی تک سیکریفائز کی, انہوں نے اپنا سب کچھ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میرا جینا مانا جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان ہے, اور پاکستان کے لیے انہوں نے نہ صرف یہ باتیں نہیں کہہ کے دکھائیں, انہوں نے اپنے آپ کو پریکٹیکلی ثابت کر کے دکھایا کہ میرا سب کچھ جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہے, اور پاکستان جو ہے میں جو ہوں پاکستان کے لیے ہوں. اور اس کے بعد قائد محمد جناح کے بعد جو دوسری شخصیت جو تھی وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب جو تھے, جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ جو تھا وہ پاکستان کے لیے وقف کر دیا تھا, پاکستان کے لیے قربان کر دیا تھا, اور انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے پاکستان کے لیے کہ اگر کوئی عام پاکستانی ہوتا تو وہ شاید اس طرح کا سوچتا بھی نہ, کیونکہ ایک اتنا اچھا لائف اسٹائل چھوڑ کے, اتنی اچھی زندگی چھوڑ کے, اتنے اچھے وہ کہتے ہیں کہ زبردست چیزیں چھوڑ کے, سہولیاں چھوڑ کے, فیسلٹیز چھوڑ کے اپنے ملک کے لیے سرو کرنا, اور اپنے ملک کے لیے خدمات کو سر انجام دینا, اور اپنے ملک کو ناقابل تسخیر بنانا, یہی ان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا, اور اس کے اوپر جو ہے ان کی خدمات جو ہیں وہ رہتی دنیا تک جو ہیں وہ یاد رکھی جائیں گی. اور ڈاکٹر عبد القدیر خان جو تھے پہلے بھی عوام کے دلوں میں بستے تھے, آج ہی بستے ہیں, اور آئندہ بھی ہمیشہ بھی جو ہیں وہ عوام کے دلوں پر جو ہے وہ راج کرتے رہیں گے, اور عوام بھی جو ہے ان کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتی ہے, خراج عقیدت پیش کرتی ہے. پوری پاکستان کو امید کرتی ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان کی جو ہے وہ یادگار یا پھر مقبرہ جو ہے وہ جلد سے جلد جو ہے وہ تعمیر کیا جائے گا, اور کسی بھی ایسی پبلک پلیس پہ جیسے فیصل مسجد ہو گئی, یا پھر پاکستان مونومنٹ ہو گیا, یا پھر کوئی بھی اور جو پبلک مقام, اہم پبلک مقام ہو گیا, وہاں پہ جو ہے ان کا مقبرہ جو ہے وہ تعمیر کیا جائے, اور وہاں پہ جو ہے ان کو جلد سے جلد جو ہے ان کی جو باڈی ہے جو ان کی قبر ہے وہ منتقل کی جائے وہاں پہ, تاکہ عوام بھی جو ہے وہ
बड़ी सहूलियत के साथ जो वहाँ पर जो हम की जो उनके लिए जो है फातह खानी कर सके, उनके लिए जहाँ जो दो जो है दुआएं कर सके। तो अब देखते हैं कि इस पर कितने कब अमल दामा किया जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरा टॉपिक से। तो तीसरा टॉपिक में बहुत ही हम टॉपिक से उसमें बात करेंगे बलोचिस्तान हुकूमत के बारे से। तो बलोचिस्तान में इस वक्त हुकूमत जो है वो डामाडोल ही लग रही है, और इस वक्त जो है वो बलोचिस्तान में जो है वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी में जो है वो दरार जो है वो वाजह नज़र आ रही है। हालांकि बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो मैं अपनी फेवरेट पार्टी में से एक फेवरेट पार्टी जो है वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी को कंसिडर करता हूँ, क्योंकि ये वाहिद पार्टी उस वक्त पसंद के लिए स्टैंड किया जब कोई भी पसंद के लिए जो है वो स्टैंड करने के लिए तैयार नहीं था, और उस वक्त उसने पसंद की हमायत की, उस वक्त उस पसंद को सपोर्ट किया जब उस कठिन हालात में उस मुश्किल हालात में पसंद को सपोर्ट किया, और उसके लिए बलोचिस्तान पार्टी को जो है मैं दिल से जो है उसकी खिदमत जो है वो कदर की निगाह से देखता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बलोचिस्तान पार्टी जो है वो इसी अपनी खिदमत जो है वो पसंद के लिए सर अंजाम देती रहेगी, और बलोचिस्तान की तरक्की में जो है वो अपना भरपूर हिस्सा और भरपूर किरदार जो है वो अदा करती रहेगी, और इसके लिए जो है वो यूनिटी यानी कि इत्तेहाद जो है वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, और बलोचिस्तान अवामी पार्टी को जो है चाहिए कि वो इत्तेहाद और यगानगत का मुजाहरा करे, और किसी भी सूरत में जो है वो किसी भी डिफरेंसेस से किसी भी दरार और किसी भी तफरीक का शिकार निशाना ना बने, और जो बाहर से जो पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस पार्टी के अंदर दूसरी पार्टियों से, उनके ऊपर किसी भी उनकी बातों पर किसी भी सोच जो है वो तवज्जो ना दीजिए, और अपनी तमाम तरह तवज्जो जो है बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के ऊपर महफूज की जाए। और जहाँ तक बात रही तहरीक मदर तमाद के हवाले से जो कि जाम कुमार साहब के खिलाफ जो है वो पेश कर दी गई है बलोचिस्तान असम्बली में, और अब जो है वोट काउंटिंग होनी है या जो रायशुमारी होनी है, तो अब देखते हैं कि ये वोट काउंटिंग में रायशुमारी जो है वो जाम कुमार साहब जो है वो अपने खेमे में कितने वोट हासिल कर पाते हैं और उनके खिलाफ कितने वोट आते हैं, तो ये भी देखना भी बाकी है। और जहाँ तक बात रही प्राइम मिनिस्टर महफ़ा से, तो प्राइम मिनिस्टर महफ़ा ने वादा तौर पर कह दिया था कि उनकी पहली प्रायोरिटी जो है वो बलोचिस्तान है, और उन्होंने ये कहा था यानी कि प्राइम मिनिस्टर महफ़ा ने जो है वो बलोचिस्तान को जो है वो दूसरे सूबे के मुकाबले में फोकियत दी है, और उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान की तरक्याती मनसूबे जहाँ वो पहले मुकम्मल किया जाए बनस्बत दूसरे सूबे के तरक्याती मनसूबों के नस्बत जो है उन्होंने कहा था। तो ये इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर महफ़ा ने जो अपनी तमाम तरफ फोकस तमाम तरह तवज्जो है उस बलोचिस्तान की तरक्की खुशहाली के महकूस की हुई थी, और पिछले तीन साल से बलोचिस्तान प्राइम मिनिस्टर महफ़ा साहब जो है वो मुसलसल बलोचिस्तान का जो है उन्होंने दौरा किया उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि बलोचिस्तान की तरक्की जो है वो पाकिस्तान की तरक्की है, और बलोचिस्तान खुशहाली जो है वो हमारा अव्वल हमारी अव्वल तरजीह है, और हम हमारा पूरा फोकस जो है वो बलोचिस्तान की तरक्की खुशहाली के ऊपर है। तो इसके बावजूद जो कहते हैं कि हालांकि बलोचिस्तान में भी पीटीए की गवर्नमेंट जो है वो नहीं है, और बलोचिस्तान में पीटीए का ज़िला नहीं है अभी, जाम कुमार साहब जो वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी के ज़िला हैं, उस वक्त जो इंतशार का बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो क्राइसिस का शिकार है, तो उसको उनको चाहिए कि वो यूनिटी का मुजाहरा करें, इत्तेहाद का मुजाहरा करें, और अपने अपने अंदर जो जितने भी इख्तलाफ हैं उनको साइड पर करके पशुपुष्ट करके जो है वो अभी फ़िलहाल जो है वो तरक्की बलोचिस्तान की तरक्की खुशहाली के ऊपर फोकस करें, और अपनी तमाम तरह जो है वो बलोचिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए जो है वो सर्व करें, क्योंकि ये वक्त जो है बलोचिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए सर्व करने का वक्त है। उस वक्त बलोचिस्तान में जो जलजला या जलजला मुतासिर हैं उनकी मदद करने का वक्त है, और वो नुमाइंदे जो है वो उस वक्त आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप उनकी मदद जो है वो किस हद तक करते हैं, और वो उस वक्त आपके मुंतजर हैं कि आप उन इलाकों में जाएँ हर नई में जाएँ दूसरे जो इलाके हैं जहाँ पर जलजला जो जलजले से बहुत सारे मुतासर हैं उन इलाकों में जाएँ, उन लोगों से जाके मिलें, उनकी मसाइल सुनें, उनके उनको हेल्प करें, और उनके दाद ऐसी करें उनके साथ खड़े हों इस मुश्किल वक्त में, क्योंकि ये वक्त जो है उनके साथ खड़े होने का है, उनके साथ अपनी मोहब्बत शो करने का वक्त है, उनकी हेल्प करने का वक्त है, और ना कि ये इस वक्त जो है वो तहरीक अदलवाद पेश करने का वक्त है, और ना कि ये इस वक्त जो है वो इस वक्त सियासी कश्मकश या सियासी रसागिरी का वक्त है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बलोचिस्तान पार्टी जो है वो इसी तरह इत्तेहाद और यकानकन का मुजाहरा करेगी, और बाहर से जो कुछ लोग पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं बलोचिस्तान पार्टी में दूसरी पार्टियों से, उनके ऊपर फोकस नहीं करेगी, और इतने बलोचिस्तान तरक्की खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करेगी, और इन मामला को जो है वो इलेक्शन रेस में अगर उनको हल किया जाए या मिल बैठ के जो है उनको हल कर लिया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो देखते हैं कि ये मामले जो है वो किस हो जाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बलोचिस्तान पार्टी जो है वो बलोचिस्तान तरक्की खुशहाली में जो है अपना इसी तरह जो है वो किरदार अदा करती रहेगी, क्योंकि ये मेरी अपनी एक पसंदीदा पार्टी में से एक पार्टी बलोचिस्तान पार्टी जो है वो है। तो अब हम चलते हैं इंटरनेशनल बहुत ही इंटरनेशनल उसमें हम बात करेंगे इंडिया के बारे से। तो इंडिया में बता चुका कि इंडिया को किसी सुबह चैन और कराहट होता ही नहीं है, उसको उसकी मैंने क्या कहते हैं कि उसकी नेचर में नहीं है, उसकी फितर में नहीं है इंडिया की कि वो एक लम्हा भी चैन और सुकून से कराहट से ज़िंदगी जो है वो गुजार ले, और वो ये भी नहीं चाहता कि उसका हमसाया भी जो है वो सुकून और चैन के साथ ज़िंदगी गुजार ले, क्योंकि अगर वो जब वो देखते हैं कि उसका हमसाया सुकून चैन से ज़िंदगी गुजार रहा है उसको टेंशन होने लग जाती है कि सुकून और चैन से ज़िंदगी क्यों गुजार रहा है, इसको क्यों टेंशन, मैं उसको टेंशन देता हूँ। वो इसी तरह से वो इंडिया से वो करने लगा हुआ है। अब इंडिया को टेंशन पड़ी हुई है चाइना के साथ, तो चूँकि चाइना ने अब जो है वो उनकी अच्छी खासी दोबारा ढुकाई की इंडियन आर्मी की,
वो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, तो वहाँ पे अब अच्छी खासी मार खाने के बाद जो है इंडिया जो है वो अब पूरा तिलमिलाया हुआ है, वो भड़का हुआ है। तो अब वो चाहता है कि पाकिस्तान को जो है वो किसी ना किसी तरीके से इसको पाकिस्तान को जो है वो सकिन किया जाए इस जंग में या इस झड़पों में या इस कशीदगी में। तो वो इंडिया जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान को, तो इसके लिए इंडिया ने जो है जाली जो है वो इंडिया में जो है वो काम कराया है, जिस तरह से पहले भी करवाता रहा इंडिया जो है पुलवामा में करवाता है अपने चार, अब ऐसा भी इंडिया ने चार अपने जो है वो कर लिए, जिससे डबल गेम खेलने की कोशिश की इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बेबुनियाद जो है दोबारा। पाकिस्तान ने पहले भी कहा था कि इंडिया के पास कोई कंक्रीट एविडेंस मौजूद है तो पाकिस्तान को दिए, पाकिस्तान भरपूर कार्रवाई करेगा, लेकिन इन्हें पिछले भी कोई एविडेंस पाकिस्तान को नहीं दिया किसी किस्म का भी नहीं। और इस तरह भी जो है इंडिया जो है वो बेबुनियाद जो है वो इल्ज़ाम लगा रहा है, और इंडिया जो है अगर किसी किस्म के पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखता है तो पाकिस्तान भी इस वक्त भरपूर तौर पर तैयार है, और पाकिस्तान जो है वो अपनी मशरकी साइड पर जो है वो कभी भी आँख बंद नहीं करता है, और पाकिस्तान किसी भी सभी जो है वो इंडिया को जो है वो अलाउ नहीं करेगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो मैली आँख से देखे। और अगर इंडिया ने कोई इस तरह के कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की पाकिस्तान के खिलाफ, तो फिर आपको पता है कि इंडिया जो खुद इंडियन आर्मी चीफ खुद कह चुके हैं कि वो टू फ्रंट वॉर्स का जो है वो सामना नहीं कर सकते, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडिया को जो है वो मुकम्मल तौर पर इस बात का इदराक होगा कि वो अगर इंडिया से कोई पंगा लेता है या इस तरह की कोई कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो फिर उसका अंजाम जहन में भी रखे कि इसका आउटकम भी क्या हो सकता है। तो जहाँ तक बात है कि इंडिया और चाइना की मुज़ाकरात कर सकते हैं, इंडिया के चाइना की मुज़ाकरात जहाँ सब मुकम्मल तौर पर जहाँ नाकाम हो चुके हुए हैं, 13 नवंबर में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, और चाइनीज आर्मी ने भी इस वक्त चाइनीज सदर में अपनी आर्मी को कह दिया कि वो तैयार है स्टैंड है। उस वक्त इंडिया भी जो है वो अब जो है वो अब डायलॉग मोड में नज़र नहीं आ रहा है, तो अब देखते हैं कि इसमें मामले किस वक्त जाते हैं, और अगर कशीदगी बढ़ती है तो इंडिया लाजमी जो है वो पाकिस्तान को भी जो है वो इस कशीदगी में जो है वो घसीटने की कोशिश करेगा, और पाकिस्तान को भी जो है इस मामले में जो है वो सकिन करने की कोशिश करेगा, और पाकिस्तान को भी है उसमें घसीटने की कोशिश करेगा मामले। तो पाकिस्तान पहले से इस वाले से मुकम्मल तौर पर तैयार है, और पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान वाजह पर काम देना चाहता है इंडिया को कि इंडिया किसी किस्म का भी शक शुबे में ना रहे, और अगर इंडिया ने इस तरह कोई करने की कोशिश की तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस के नतज के ज़िम्मेदार जो होगा वो इंडिया खुद होगा, और पाकिस्तानी आवाम अपनी फौज के साथ खड़ी है, शाना बशाना खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी, और इंडिया ने अगर किसी किस्म कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी फौज जो है वो इंडिया को जो है वो भरपूर जवाब देंगे, और इंडिया को जो है वो फिर वो वक्त याद रहेगा जब वो खुद कहेगा कि हम पहली वाली पोजीशन में ज़्यादा अच्छे थे। तो अब चलते हैं हम दूसरे टॉपिक के ऊपर, दूसरे पर वो भी बहुत ही अहम था, उसमें बात करेंगे अरब और इसराइल के ताल्लुक के ऊपर। तो उसमें हुआ कुछ यूँ है कि बहरीन के जो आला सतह अफसर था वो गया था इसराइल, और वहाँ पर जाकर उन्होंने दरबार गरिया जो कि यहूदियों की मुकदस इबादतगाह कह लें या उनका जो मजमे मुकाम कह लें, वहाँ पर जाकर उन्होंने जो है वो नमाज अदा की है, और उसके सामने जो जो तस्वीर लगाई हुई थी वो बेसिकली थर्ड टेंपल की लगी हुई थी, और ये बहुत ही हैरानकुन बात थी कि इस जगह पर जाके जो था वो नमाज अदा करना, और उस थर्ड टेंपल का मकसद क्या था, तस्वीर का मकसद क्या था। तो ये सबके सामने वाजह है कि इसराइल जो है वो पूरी मुस्लिम दुनिया को क्या पैगाम देने की कोशिश कर रहा है, और क्या उसके आगे प्लान है, और क्या उसके आगे मकासद हैं। तो ये सबके सामने वाजह है कि इसराइल जो है वो थर्ड टेंपल बनाना चाहता है, और थर्ड टेंपल कहाँ बनेगा, वो बनेगा नाउसबल्ला मस्जिद अक्सा की जगह पे। तो आप देखते हैं कि इसराइल जो है वो अपने इन प्लान्स को जो है वो तेज़ी के साथ जो है एग्जीक्यूट करने जा रहा है, और आप देखते हैं कि इसमें वो किस हद तक जो है वो तेज़ी करता है। और अब मैं हैरान हूँ कि मुस्लिम हुक्मरान को भी चाहिए, यानी कि मुस्लिम लीडर्स को चाहिए कि वो इस वाले से जो है वो एहतियात का मुजाहरा करें, और देखें कि वो उन अपने एक्शंस को देखें वो क्या कर रहे हैं, और क्या मैसेज जो है वो मुस्लिम दुनिया को जा रहा है, और क्या आके मामला जो है हो रहे हैं, क्योंकि अब ये चीज़ लाजमी जहन में रखनी चाहिए कि इसराइल जो है वो ग्रेटर इसराइल प्लान का जो है उसको एग्जीक्यूट करना चाहता है, और उसकी जो सरहदें जो हैं ग्रेटर इसराइल की वो आप अगर उसका रिजनल मैप देखें तो वो काफ़ी हद तक लामहदूद उसकी जो है वो बॉर्डर्स या वो नज़र आते हैं। तो अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो मुस्लिम हुक्मरान को भी चाहिए कि वो अपनी आंखें जो है वो खुली रखें, अपने आप को जो है वो प्रिपेयर रखें अगले जो वाक़यात या अगले जो मुश्किल हालात आने वाले हैं अगले चंद सालों में, या अगले 10-20 या आगे 30 सालों में जो मुश्किल हालात आने वाले हैं उनके लिए अपना को तैयार रखें, और अपने देख भी देखें कि उनकी अपने आप को तैयारी अपने उन्होंने क्या तैयारी कर रखी हुई अपने मुस्तकबिल के लिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखें, और ये भी देखें कि वक्त जो है वो किसी का इंतज़ार नहीं करता, और वक्त जो है वो आपको सिर्फ एक दफ़ा मौका देता है, और फिर अगर वक्त हाथ से निकल जाए तो फिर सवाए जो है पछतावा की और सवाए जो है वो है खाली हाथ के फिर कुछ बाकी नहीं रहता। तो मुस्लिम हुक्मरानों को चाहिए कि वो इस वाले से जो है वो अपने आप को देखेंगे, अपना सेल्फ एनालिसिस करें कि वो क्या कर रहे हैं और किस जगह जो है वो अपने यानी कि जा रहे हैं। तो
सब चीज़ें ध्यान रखें, क्योंकि ये भी ध्यान रखें कि इसराइल का अल्टीमेट प्लान क्या है और इसराइल जो है वो आखिर में क्या करने करेगा और उसका क्या प्लान है, तो ये भी ध्यान रखें। तो इन्हें दोनों के साथ अगर वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आखिर में जाते जाते डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को हम तहे दिल से जो है वो खराज तहसीन पेश करते हैं और उनकी खिदमत जो है वो रहती दुनिया तक पाकिस्तानी कौम जो है वो याद रखेगी। और कहते हैं कि ये जो प्रेशस जेम यानी कि नायाब मोती जो है वो बहुत ही कम मिलते हैं और इनकी कदर जो है वो की जानी चाहिए। और बस इन तमाम के साथ अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर हमारे को लिखा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।